ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से। वहां डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को 10 से 15% बेड रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि कोरोना के लिए आरक्षित बिस्तरों का इस्तेमाल डेंगू के मरीजों के लिए करें। बताया जा रहा है कि दिल्ली में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एमसीडी के मुताबिक अक्टूबर में 321 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि सितंबर में 693 मरीज मिले थे। इस साल राजधानी दिल्ली में डेंगू के अब तक 1200 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या पता चल रहा है इस पर? देखिए, सरकार ने निर्देश जारी किया, आज ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्देश जारी किया कि सभी अस्पतालों में 10 से 15% बेड डेंगू और बाकी तो इस तरीके की बीमारी फैलती है बरसात और मानसून के मौसम में, उसको देखते हुए बेड रिजर्व रखे जाए। और साथ साथ भी कहा है कि कोरोना के जो बेड अब खाली हो गए हैं, क्योंकि कोरोना के उतने मरीज नहीं आ रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल इसमें किया जाए। बहुत ही अभी हालांकि बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन सतर्क होने वाली जरूर है, क्योंकि अक्टूबर के शुरुआती 5 दिनों में ही 321 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि सितंबर में पूरे महीने में 693 मामले सामने आए थे। और 2015 में जो अक्टूबर में कोरोना का डेंगू का खतरनाक हमने देखा था दिल्ली में कहर, उसको देखते हुए सरकार ने ये सावधानी बरतने का फैसला किया है। शुक्रिया विक्रांत आपका।